एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस स्नैक अगर आपके फ्रिज में हमेशा बना रहे, जिसके हेल्प से आपके घर के कोई भी मेंबर्स झटपट 5 से 10 मिनट में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या नाश्ते का आइटम या स्नैक आइटम बना सके, तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बोल में जो एक फर्मेंटेड मिक्सचर है, इसको मैंने कैसे बनाया है। आपने अलग अलग तरह के ग्रेन्स और दालें लेनी है। मैं आज के रेसिपी में ज्यादा से ज्यादा दालों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर आप दालों के साथ में कुछ एडेड ग्रेन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉर्न, मिलेट्स, ओट्स, राई, गेहूं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब चावल और बाकी सब दालों को एक बोल में मिक्स कर लें। मल्टीग्रेन मल्टी दाल का मिक्सचर वैसे आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप आपका खुद का ही एक मिक्स बनाएं। इन सब दालों को आप एक बोल में मिक्स कर लें, एंड में मेथी दाना भी डालिए थोड़ा फ्लेवर के लिए। पानी डाल के इस दाल के मिक्सचर को आप अच्छे से धो लीजिए, कम से कम 3 से 4 बार, जब तक पानी साफ नहीं हो जाता। और इस घुले हुए दाल में आप फ्रेश पानी डालिए ऊपर तक एकदम, और ढक्कन लगा के दालों को भीगने दीजिए कम से कम 7 से 8 घंटे तक। 7-8 घंटे बाद ये दाल अच्छे से भीग चुके हैं, अभी इनका वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, और इस दाल को अभी आप इस पानी में से निकाल लें और एक मिक्सी के पॉट में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट आपने बहुत चिकना, बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा अगर आपको पानी डालने की जरूरत पड़ रही है तो आप पानी तो जरूर डालिए। मिक्सचर बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस दाल के मिक्सचर को अभी आप ढक्कन लगा दें और फर्मेंट होने के लिए आप रख दें कम से कम 8 से 10 घंटे एक गर्म जगह पे। लगभग 8 से 10 घंटे तक फर्मेंट होने के बाद आप इस मिक्सचर को मिक्स कर लें और इसमें ऐड करिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, आप लहसुन भी डाल सकते हैं साथ में। आप इसमें फिर डालिए बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी और मिर्ची डाल सकते हैं, और इसमें डालिए कड़ी पत्ता, वो भी बारीक कटा हुआ, और टेस्ट अनुसार नमक। इन सब इंग्रेडिएंट्स को इस मल्टी दाल मिक्सचर में आप अच्छे से मिला लें। अप्पे का जो पात्र है, सांचा है या पैन है, उसमें आप तेल लगा लें। अगर आपका अप्पे का पैन बहुत ज्यादा रेगुलर यूज में नहीं है तो आपको अच्छे से तेल लगाना पड़ेगा, चारों बाजू फैलाना पड़ेगा। ये अप्पे के सांचे में अभी आप ये मिक्सचर को डाल दें। पैन के ऊपर थोड़ा सा और निकल के आना चाहिए, इतना आप मिक्सचर डालें। गैस शुरू कर दीजिए, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमको कम से कम 6 से 7 मिनट पकाना है ढक्कन लगा के। 5-6 मिनट के बाद आप ढक्कन निकाल लें और ऊपर से थोड़ा सा तेल, एक एक दो दो ड्रॉप आप डालें इन अप्पों पे, और एक स्पून के या फोर्क के सहारे से इस तरह से आप पलटा लें। तरह आप सबको पलट लें और दूसरा साइड भी लगभग 4 से 5 मिनट पका लें, जब तक कि इस तरह से लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। और आप इन अप्पों को परोसिए आपके फेवरेट चटनी के साथ में। मैं यहाँ परोस रहा हूँ लाल मिर्ची और टमाटर की चटनी, जो मैंने साउथ इंडियन स्टाइल में बनाई है।
अगर आपके पास अप्पे का पात्रा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पैन ले लें और उसके ऊपर आप इस तरह से तेल फैला लें और एक स्पून भर के जितना आपने अप्पे के पात्र में डाला था उतना ही आप बैटर लेके एक स्पून से इस तरह से फैला लें। बहुत क्यूट से छोटे छोटे गोल उत्तपम आप बना रहे हैं। बेसिकली गैस शुरू कर दे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, ढक्कन लगा के लगभग 3 से 4 मिनट पका लें एक साइड। सिंगल ग्रेन यूज करने से अच्छा या सिंगल दाल या पल्स यूज करने से अच्छा कभी भी अगर आपने 2-3-4 दाल या ग्रेन या पल्सेस का कॉम्बिनेशन लिया तो आपको एक ज्यादा न्यूट्रिशनल स्पेक्ट्रम मिलता है आपके बॉडी के लिए। इन मिनी उत्तपम को पलटने के पहले ये बाजू पे भी आप थोड़ा सा तेल लगा लें। इनको इस तरह से पलटा लें, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छे तरीके से ये एक साइड से पक चुका है। दूसरा साइड आप लगभग 2 से 3 मिनट पकाएं, जब तक हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, और आप गरम गरम इन मिनी उत्तपम को परोसे आपके फेवरेट चटनी के साथ।